अब बारी है एक मीठी रेसिपी की, और ये मीठी रेसिपी क्विक एंड इजी फास्ट। इसके लिए सबसे पहले मुझे चाहिए ये गोल्डन एप्रिकॉट, ये गोल्डन एप्रिकॉट, और इसे मैं जरा आधा काट लेता हूँ। ये गोल्डन एप्रिकॉट, और इसके अंदर पानी, ये लीजिए पानी इसके अंदर, और इसके साथ साथ इसमें ये शुगर फ्री, ये शुगर फ्री नेचुरा। अब एक काम करते हैं, श्रीखंड बनाते हैं। अरे वाह, श्रीखंड, बड़ा सिंपल सा श्रीखंड। दही ले लें, ये जो चक्का है ये हमने ले लिया, अब इसे मीठा करना है। मीठा करने के लिए चीनी नहीं, लेकिन ऐसी चीज जिसका स्वाद चीनी जैसा हो, ये सुक्रलोज शुगर फ्री नेचुरा, ये लीजिए। इसे जरा मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, जो श्रीखंड है उसकी कंसिस्टेंसी एकदम स्मूथ होनी चाहिए, तो उसे स्मूथ कैसे किया जाए? अभी इसमें थोड़े से मुझे इसे दाने दाने दिख रहे हैं, तो आप एक मलमल का कपड़ा ले लें, और मलमल के कपड़े में डाल दिया ये श्रीखंड, और फिर इसे आप अच्छी तरह से ऐसे घुमा दें और ये प्रेस कर लें, ये देखिए। और अब ये जो हमने शुगर फ्री श्रीखंड तैयार किया है, ये ले लें आप जिस ग्लास में आपने इसे सर्व करना हो। आहा, क्या बात है। और हाँ, एप्रिकॉट का क्या हाल है? पक पक कर कितने सॉफ्ट हो गए हैं ये, और इसमें हमने शुगर फ्री नेचुरा डाला था, देखिए कितना बढ़िया रंग आ गया है इसमें। ये वैसे काफी मीठे हैं, ग्लेज भी काफी अच्छा आ गया है, और अब आप चाहें तो इसको इसी तरह से, हाँ जी, गर्मा गर्म भी इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन श्रीखंड और ये, इसको कैसे सर्व करेंगे मैं बताता हूँ आपको। इसके लिए ये चम्मच, और फिर चम्मच में ये एप्रिकॉट, इसके ऊपर ये स्ट्यूड एप्रिकॉट श्रीखंड के ऊपर, और उसके बाद इसके ऊपर ये पिस्ता। है ना मजेदार, टेस्टी, डिलिशियस श्रीखंड, थोड़ा सा अलग स्टाइल में, चीनी बिल्कुल नहीं है लेकिन है डिलिशियस। नोट करें इसके इंग्रेडिएंट्स और उसके बाद इसका एक रीकैप। एप्रिकॉट श्रीखंड के लिए हमें चाहिए 20 सुनहरी खुरमानी कटी हुई, 20 मेजरिंग स्पून शुगर फ्री नेचुरा, 2 कप दही का चक्का, और 15 पिस्ते स्लाइस किए हुए। इसे बनाने के लिए कटी हुई खुरमानी में 1.5 कप पानी और आधी मात्रा शुगर फ्री नेचुरा की डालकर करीब 15 मिनट तक पका लें। अब एक बोल में दही का चक्का लेकर इसमें बची हुई शुगर फ्री नेचुरा डालें और इसे मिक्स कर लें, और इसे किसी मसलिन क्लॉथ में डालकर इसे छान लें। अब इस तैयार मिक्सचर को एक ग्लास में डालें और इसके ऊपर पकी हुई खुरमानी डालें और तुरंत परोसें।